दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत। और इस हफ्ते हमारी मेहमान है एक बहुत ही कामयाब सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, एक ऐसी लेडी जिन्होंने न सिर्फ कई बार लोकसभा इलेक्शंस जीते लेकिन अब अपने पॉलिटिकल करियर के पिनेकल पीक या शीर्ष पर है वो एज द स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। जी हाँ, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार हैं इस हफ्ते हमारी गेस्ट। बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया और जितने श्रोतागण हैं उनका मेरी शुभकामनाएं। मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल मैं लिख के लाया हूँ आपसे पूछने के लिए, लेकिन सबसे पहला सवाल जो आप इतना नपातुला कैसे बोलती है। मैं हमेशा से जब से मैं आपको सुन रहा हूँ, यू नो 15-20 साल तो हो गए मुझे भी सुनते हुए क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं, आप बहुत मेजर्ड, जैसे हर चीज़ सोच समझ के पहले माइंड में एक बार बोल के और उसके बाद ही, और बहुत अच्छी तरह से, यू नो भाषा पे भी पकड़। लेकिन ये किस तरह से आपने डेवलप करी है, ये इसके लिए बिल्कुल डिप्लोमेट की ट्रेनिंग की वजह से आई है या क्या है? नहीं, शुरू से ही ऐसा है, हम शुरू से ही थोड़ा कम बोलते रहे हैं और थोड़ा सोच के ही बोलते हैं। नहीं भी, वैसे तो जब भी मैम हम बड़े हो रहे थे सब जने, एक मुहावरा चलता है कि देखिए कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते, लेकिन सब जने ये जानते हैं लेकिन फिर भी इतना सोच समझ के नहीं बोलते, मुंह से निकल जाता है। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, कुछ लोग बहुत सोच समझ के बोलते हैं मगर जल्दी बोल लेते हैं, हम सोच समझ के बोलते हैं तो थोड़ा इत्मीनान से बोलते हैं, अपनी अपनी शैली है बोलने की। ज़्यादा बोलने की हमें कभी आदत में से रही नहीं है बचपन से ही, कभी हमें लगता है कि ऐसा क्यों नहीं था, होना चाहिए था पर नहीं रहा, अपना अपना। आपको इट्स स्टार्टिंग ऑन सम अदर नोट, लेकिन आई, लेकिन क्या आप अंतर्मुखी हैं, इंट्रोवर्ट हैं? शुरू में मुझे ऐसे ही कहा जाता था, ज़्यादा लोगों को लगता है कि मैं बहुत रिजर्व्ड हूँ या अंतर्मुखी, जैसा आपने, बहुत सुंदर शब्द है आपका, है हाँ। जबकि ये भी अपने आप में एक पैराडॉक्स है क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं पब्लिक लाइफ में, और चूंकि आप तो पब्लिक लाइफ उस तरह की जहाँ लाखों लोगों से चुनाव में वोट लेके आना होता है, जीत के आना होता है, तो उसमें इंट्रोवर्ट होना हो ही नहीं सकते इंट्रोवर्ट, क्योंकि आपकी इतनी पब्लिक एंगेजमेंट्स होती हैं, इतने लोगों की बातें सुनते हैं, इतने लोगों से बातें करते हैं, फिर कैसे संभव होता है? हाँ, मगर जीवन में यही होता है, इतने सारे पैराडॉक्सेस के संग और इतने सारे परस्पर विरोधी गुणों के संग हम जीवन बिताते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ अनुकूल हो, सब आपस परस्पर विरोधी बहुत सी भावनाएं एक साथ चलती हैं जीवन में। क्या बात है मैम, चलिए हम अपने मोर जो प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है उस पर लौट रहा हूँ, इस पर भी लौटेंगे आपकी शख्सियत पे भी वापस। एक वकील से, लॉयर से, फिर डिप्लोमेट, पहली वुमेन स्पीकर, कैसा रहा है सफ़र मैडम? काफ़ी लंबा सफ़र है और बहुत सारे इसमें प्रयोगात्मक रास्तों पर भी हम चले गए कि चले ये भी कर लें या ये भी कर लें या ये भी कर लें, तो ठीक ही था। तो आपकी हिंदी बड़ी जबरदस्त, प्रयोगात्मक, यू नो फील फ्री टू से एक्सपेरिमेंटल आल्सो मैम, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है यू हैव अ वे विद वर्ड्स, आपकी दोनों भाषाओं पे समान महारत या कमांड है। आप बहुत धन्यवाद, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो अच्छा है। आपको मालूम भी तो है ना? नहीं, कई दफ़ा लगता है मुझे कि और ज़्यादा हमें हमारी शब्दों को चयन करने की शक्ति और ज़्यादा होती तो अच्छा रहता। देखिए और कुछ नहीं तो मैं कम से कम आपकी शब्दावली से बहुत इम्प्रेस्ड होकर लौटने वाला हूँ। ये बताइए मैम कि सबसे पहले वकालत की पढ़ाई करी और वकील पहला करियर ऑप्शन था, आप बकायदा कभी कोर्ट गई थी, कभी किसी केस की जिरह करी? नहीं, हमने वकालत प्रैक्टिस नहीं की है, हमने इम्तहान पास किया है उसका और फिर हम फॉरेन सर्विस में चले गए। और क्या सब्जेक्ट्स लिए थे मैम आपने अपने एग्जाम्स में? फॉरेन सर्विस के लिए वैसे तो हमने किया था, एमए हमने किया है इंग्लिश लिटरेचर में, मगर
फॉरेन सर्विस के लिए हमने हिस्ट्री लिया था, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, दो काफी पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं सर्विसेज के लिए। कुछ लोग फिलॉसफी उस समय बहुत पॉपुलर थे, अब तो खैर बहुत से जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एमबीए जिन्होंने किया है वो भी इसमें जा रहे हैं। अब तो खैर मैथ्स, फिजिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स और बहुत स्कोरिंग भी हो जाते हैं। सो हिस्ट्री पढ़ने का शौक था आपको वैसे? हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है, हिस्ट्री मुझे आज भी बहुत पसंद है। कौन सा हिस्सा हिस्ट्री का मतलब आपका फेवरेट? ये तो कोई भी हिस्ट्री, मध्ययुगीन भारत के बारे में बहुत बहुत अच्छा लगता है। वैसे बहुत पुराना तो हमारे यहाँ इतिहास उतना प्रामाणिक नहीं है। हाँ, हिस्टोरिकल कैरेक्टर कौन है फेवरेट, मिडिवल इंडिया की बात करें? मैं समझती हूँ मिडिवल इंडिया के एकदम अंत में, समझिए कि मॉडर्न इंडिया करीब आकर के, मैं समझती हूँ मुझे झांसी की रानी बहुत अच्छी लगी। क्या बात है। वैसे मुझे क्वीन एलिजाबेथ I भी बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा उन्होंने जिसे कहते हैं कि एक नए युग की हवा, रिनेसांस के लिए उन्होंने उस समय उनके देश में साहित्य या कला या वास्तुशास्त्र हर चीज़ में इतना ज़्यादा उन्होंने उसको बढ़ावा दिया, तो मैं समझती हूँ उन्होंने एक नया अध्याय शुरू कर दिया। और झांसी की रानी तो अद्भुत व्यक्तित्व वाली थी। मीरा कुमार जी, ये दोनों महिलाएं जिनकी आप बात कर रही हैं, ये ऑल्सो अपने आप में बहुत ही बोल्ड, पावरफुल, समय से आगे, अपने वक्त के आगे के सोच रखने वाली और एक किस्म की ट्रेल ब्लेजर, उदाहरण स्थापित करने वाली महिलाएं थी। क्या ये भी कारण है आप यू काइंड ऑफ आइडलाइज करती हैं आप उन्हें? हाँ जरूर, क्योंकि जो वक्त से आगे सोचेगा उसी को हम अपना आइडियल बनाएंगे ताकि उसके पीछे पीछे चलें। जो वक्त से पीछे सोचेगा उसको हम अपने आगे कैसे रख सकते हैं? चलिए अब एक बार बताइए कि बिटवीन क्वीन एलिजाबेथ और झांसी की रानी आप अपने नज़दीक किसको पाती हैं ज़्यादा, या स्वयं किस कैसा ज़्यादा बनना चाहेंगे? नहीं नहीं, हम तो इनको छू भी नहीं सकते हैं, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं छूने की, मगर दोनों में अपने अपने गुण हैं और मैं समझती हूँ वीरता का पर्याय है झांसी की रानी, और कुछ उन्होंने सोचा ही नहीं। और क्वीन एलिजाबेथ I जो है वो तो बिल्कुल ही जो जैसे चाणक्य ने जो लिखा है कैसे राज चलाना चाहिए, साम दाम दंड भेद सब कुछ चला करके उन्होंने अपना चला लिया, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग। चाणक्य भी पढ़ा है आपने? चाणक्य तो सभी ने पढ़ा होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ती है पॉलिटिक्स में मैम उसकी? चाणक्य पॉलिटिक्स में क्या, मुझे लगता है जो पॉलिटिक्स में नहीं है वो लोग भी चाणक्य को मानते हैं, और हो सकता है जो राजनीति में है वो चाणक्य को ना मानते हो। गांधी जी ने मुझे नहीं लगता चाणक्य को माना होगा, और बहुत से गैर राजनीतिक हैं वो चाणक्य के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आपने अपनी बात नहीं बताई। मेरा तो जीवन एकदम खुली किताब है। ये बताएं, क्योंकि भारतीय पार्लियामेंट या हम कहें दक्षिण एशियाई संसदें, यहाँ पे लोकतंत्र नया है, अगर हम इतिहास के संदर्भ में देखें बहुत जीवंत है, बहुत कई बार उत्तेजनापूर्ण भी हो जाता है संसद में, तो क्या चैलेंजेस हैं एज अ वुमेन स्पीकर? यू नो ऑलरेडी अब कुछ महीने तो हो ही चुके और आपका टेन्योर इंटरेस्टिंग चल ही रहा है। देखिए स्पीकर चाहे वुमेन हो चाहे पुरुष हो, स्पीकर हैं, और एक बहुत ही बीच का एक रास्ता निकाल कर चलना पड़ता है, क्योंकि हमसे अपेक्षा रखी जाती है कि हम पूर्णतया पक्षपात रहित रहें और पूरी तरह से निरपेक्ष होकर के चलाएं, और इसलिए और दो तीन और चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ये कि
जो स्पीकर अध्यक्ष का जो पद है वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, और उसके अपने अधिकार हैं, उसकी अथॉरिटी है, उसका एक ऑरा है, और उसके ऊपर किसी तरह का आघात ना पहुँचे, उसमें कोई इरोजन नहीं हो। ये बात, ये आई हैव टू फियर्सली गार्ड दैट। और ये करते समय हम अथॉरिटेरियन ना बने, क्योंकि जिनके साथ हम, जिन पर हम अपनी रूलिंग दे रहे हैं, वो ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। हर एक व्यक्ति वहाँ जो बैठा है वो 10 से 12 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और दुनिया में जितने भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें और कोई एमपी 10 से 12 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इस पर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक प्रेशर, एक तनाव, उनके साथ एक बहुत डिमांड रहती है उनके ऊपर। हम किस तरह उनसे पेश आए ये भी ख्याल हर समय रखना चाहिए। तो ये दोनों का सामंजस्य बैठाना कि स्पीकर का पद उसकी गरिमा पर कहीं आँच ना आए, और जो माननीय सदस्य हैं उनकी क्या परेशानी है उसको भी हम समझें, और इसमें कैसे सामंजस्य बैठाए, ये भी एक टाइट रोप वॉकिंग है, तो ये करना आवश्यक रहता है। तो ये तो आपने चुनौती तो बहुत अच्छी तरह समझा दी, लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि पुरुष स्पीकर्स जो रहे हैं वो शोर मचता था तो उससे भी ज़्यादा ज़ोर से शोर मचा के चुप कर सकते थे। तो आपके अति पर्सनैलिटी एक काफ़ी, क्या कहें, विनम्र या जेंटल नेचर की लगती हैं, तो आप ज़ोर से डांट के चुप बैठाना तो लोगों एक्सपेक्ट नहीं करते, और मैंने कभी सुना भी नहीं आपको उस तरह से लाउडली एंगेज करते हुए मेंबर्स के साथ। तो उस स्थिति में तो नियंत्रण बनाना और खासा चैलेंजिंग हो जाता होगा। अभी तक तो ऐसा कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई, क्योंकि जब भी मैं जो सांसद हैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो शांत हो जाएं और सदन में शांति स्थापित करें तो मान लेते हैं, जनरली मान लेते हैं। जो लोग साथ में ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं, मंत्रिमंडल में साथ रहे हैं, इतने वर्षों का संबंध है, पारिवारिक संबंध होंगे कई लोगों से, वो लोग जब एकदम से ये न्यूट्रल स्पीकर को देखते होंगे तो उनके मन में कहीं ना कहीं लगता होगा, भाई हम इतनी अच्छे से जानते हैं मैडम को, ये तो समझ नहीं रही है और मेरी बात भी सही, क्योंकि जो अपनी बात कह रहा है उसको तो लगता ही है कि मैं सही कह रहा हूँ। सो इन दैट केस हाउ डू यू टैकल दैट, जब लोग आपकी कहीं ना कहीं नज़रें मिलाने की कोशिश करते होंगे कि मैम क्या हो रहा है, आप प्लीज़ समझिए ना हमारी बात। हाँ, ये तो है, अध्यक्ष पद पर बैठने से एकदम ही इम्पार्शल होना बहुत आवश्यक हो जाता है। मैं समझती हूँ कि ये सब समझते हैं और इसके कारण वो माइंड नहीं करते हैं। टेल मी, इतनी इम्पार्शलिटी की बात होती है मैम, और यू नो विद ऑल रिस्पेक्ट्स चेंज करना भी पड़ता है, हो भी जाता है, बट क्या सच में कुछ विक्रमादित्य का सिंहासन टाइप फीलिंग हो जाती है क्या वहाँ बैठने पर, कि आप अपना पास वास सब भूल जाते हैं और एक नए, मतलब कुर्सी की मर्यादा के अनुरूप एकदम नेचुरल तरीके से वैसे ही सोचने लगते हैं? मैं ऐसा मानती हूँ, मेरा अनुभव ऐसा है कि वो जो कुर्सी है, वो जो पद है और वो जो क्षण है, वो आपको ये शक्ति देते हैं कि आप किसी से पक्षपात ना करेंगे। बहुत कठिन काम है करना, जैसा आपने कहा, बहुतों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और फिर भी इस तरह से ये रुख अपनाना कठिन होता है, लेकिन ये शक्ति उस कुर्सी में है, और अगर ऐसा नहीं हो तो सदन नहीं चल पाएगा। अगर स्पीकर पक्षपातपूर्ण हो जाए तो सदन तो चल ही नहीं पाए, उन पर से भरोसा उठ जाएगा सांसदों का। तो इसलिए है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पिताजी अपने स्वाधीन भारत के बाद के जो 30-40 साल की राजनीति थी उसके सबसे बड़े दिग्गजों में से एक थे, तो उन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया आपको, क्योंकि शुरू में तो आप एकदम पॉलिटिक्स में आई नहीं, पहले आप ने सिविल सर्विसेज दिया, फॉरेन सर्विस में गई,
How was he influencing you as a child in your growing up years? मैं जब छोटी थी, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत प्यार दिया. हर मेरी छोटी बड़ी हर ज़रूरत का वो ख्याल रखते थे. उतनी व्यस्तता के बावजूद भी छुट्टियों में हमेशा मुझे ले जाते थे और ट्रेन से हम लोग जाते थे हर जगह. मेरे ख्याल से कहीं उनके दिमाग में था कि पूरा भारत देखना चाहिए, इतना बड़ा देश है. मगर राजनीति वो मुझसे कभी नहीं बताते थे. तो उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत तरह से प्रभावित हूँ. मगर जिस तरह से गुरु के साथ बैठकर शिष्य राजनीति सीखते हैं, वैसा मैंने उनसे नहीं सीखा. इस बात का अफसोस है आप? मुझे किसी चीज़ का अफसोस नहीं है. जीवन में मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो मेरे पिता थे. नहीं, लेकिन जो बात आपने कही, क्योंकि आप भी राजनीति में हैं और बाबू जगजीवन राम तो जो मतलब एक रियल पॉलिटिक के ज़बरदस्त प्रैक्टिशनर की तरह भी देखे जाते थे, जो उनमें इतने गुण थे, उनमें से एक बिल्कुल ये था, मास्टर ऑफ टाइमिंग, समझ, एक लगातार इतने सालों तक अपनी वजूद बना के रखना. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं क्यों नहीं उनके चरणों में बैठ के ये सब सीख पाई? पिता पुत्र कोई कारण रहा होगा जो उन्होंने मुझे सीधे सीधे राजनीति नहीं सिखाई. और हो सकता है कि मैं अगर वो सिर्फ राजनीति मुझे सिखाते तो और बहुत सी जो चीज़ें मैं उनसे सीख पाई हूँ उसके लिए वक्त नहीं मिलता. जैसे क्या सीखी, किस तरह की कहानियाँ? मैं जैसे वो बहुत संवेदनशील थे. बाहर से तो लगता था कि बहुत टफ है, मगर वो अंदर से बहुत संवेदनशील थे. और मैंने जीवन में सीखा उनसे कि कितनी भी ठोकर खाओ, कितनी भी संघर्ष करो जीवन में, लेकिन ये अंदर में जो एक कोमल और एक संवेदनशील जो हमारा अंश है, उसे कठोर नहीं बनने देना चाहिए. आप इस पे प्रैक्टिस कर पाएंगे? मैं चाहूँगी कि ऐसा रहे. अभी तक है ऐसा लगता है? ऐसा मैं सोचती हूँ. अगर नहीं रहेगा तो फिर मीरा मीरा कुमार नहीं रहेगी. नाम वैसे आपका बड़ा अच्छा है. उसका भी कोई कनेक्शन, कुछ कभी कोई बात हुई थी कि क्या ओरिजिनल मीरा से इसका कुछ कनेक्शन? ओरिजिनल मीरा तो कुछ सोचा था? हाँ, ओरिजिनल मीरा को भी मैं बहुत एडमायर करती हूँ. आपने कहा कि कौन सी विभूतियाँ हैं, तो उनको उन पर तो मेरा नाम ही रखा गया. वो भी ट्रेल ब्लेजर थे. और आपकी मदर जो थी वो भी फ्रीडम फाइटर थी जी. उनकी किस तरह की यादें हैं और उनसे? मैं तो अपनी मदर के बहुत नज़दीक थी, क्योंकि बाबूजी तो बहुत व्यस्त रहते थे. वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, बहुत विनम्र, बहुत अनअस्यूमिंग. मगर जब कठोर निर्णय लेने होते थे तो जो सहूलियत वाला है वो छोड़ करके वो कठोर निर्णय ले लेती थी. ऐसा क्यों करती थी वो, आपने पूछा कभी उनसे? मैं ऐसा समझती हूँ कि जो बहुत सहूलियत वाला जो रास्ता है वो हमेशा नीचे की तरफ ले जाता है. जितना हम अपना को ऊपर उठाएंगे, कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे हमें. मैंने कहीं पढ़ा था कि बाबू जगजीवन राम को डायमंड्स का बहुत शौक था, सही बात है क्या ये? ये कुछ प्रचार हो गया है, ऐसा उनको शौक नहीं था. वो तो बहुत सिंपल रहते थे, खादी पहनते थे. एक उन्हें ऐसा क्यों प्रचार हो गया मैं नहीं जानती. आपको किसी चीज़ का विशेष शौक है, मतलब इस तरह की मटेरियल चीज़ों में, जैसे किसी को घड़ी का होता है, किसी को सैंडल्स का होता है, किसी को शॉल्स का हो सकता है, फूलों का हो सकता है, मतलब कोई चीज़ की बहुत फेवरेट कोई चीज़ इस तरह से? मुझे फूलों का बहुत शौक है. और अभी मौसम आ रहा है, इस समय में मेरे तो माली मुझसे परेशान है, क्योंकि मैं बस हर समय कौन सा फूल लग रहा है, क्या फूल लग रहा है, किस क्यारी में लग रहा है. ये अभी फूलों का मुझे बहुत शौक है. कौन सा है आपका फेवरेट फ्लावर? अगर आप इसको पॉलिटिकल रंग ना दें तो मैं कहूँगी कि मेरा जो फेवरेट फ्लावर है वो है कमल का फूल. बहुत खूबसूरत तो होता ही है, इसमें क्या शक. और वो किसी की किसी का बस चुनाव चिन्ह होने से उनकी वो थोड़ी हो सकता है पेटेंट. वेरी नाइस मैम. और कुछ अपने शुरुआती सालों के बारे में बताइए, कहाँ पढ़ती थी आप, क्या उन दिनों के इम्प्रेशंस थे, क्या शौक थे, क्या आप शैतान लड़की थी या तब भी है ऐसे बड़ा सोबर सोच समझ के? नहीं नहीं, बचपन में तो शैतानी करते ही थे, शैतानी कैसे नहीं करेंगे. बिना शैतानी के तो बचपन पूरा ही नहीं होता. लेकिन हाँ, मैं बहुत शर्मीली थी और
आधा ज़्यादा समय अपने माँ के पल्लू से ही लगी रहती थी। और फिर मुझे मैं बहुत, क्योंकि शुरू से ही मेरे पिताजी मंत्री पद और शासन के सत्ता के बीच में रहे, तो मैं एकदम सीमित दायरे में ना रह जाऊँ, इसलिए मुझे हॉस्टल भेजा गया, मुझे वनस्थली भेजा गया। और वनस्थली की बहुत बहुत ही अच्छी यादें हैं मेरे पास, क्योंकि उन दिनों, अब कैसा है स्वरूप वनस्थली का आप जानते हैं ना, राजस्थान में। बिल्कुल, मैं राजस्थान का हूं मैम। आप राजस्थान के हो तब तो आप जानते हैं। तो उस समय आपने घुड़सवारी सीखी होगी, शूटिंग सीखी होगी। घुड़सवारी मैंने वहीं सीखी, और मुझे वहाँ, उस समय तो मैं बच्ची थी और बहुत ही ऊंचे ऊंचे घोड़े थे, उन पर मुझे घुड़सवारी उन लोगों ने सिखा दी, और जो सिखाने वाले थे ये उनकी तारीफ है। और शूटिंग वहाँ नहीं सीखी, पर फिर बाद में मैं MGD में पढ़ने चली गई। जयपुर में पढ़ी है, मैं जयपुर का हूँ मैम। अच्छा अच्छा, तभी तो, तभी आपसे इतना अच्छे से तार जुड़ रहा है। तो वहाँ पढ़े हम, और वहाँ हमने शूटिंग सीखी, बहुत हमें उसमें शौक था करने का। और ये सब बहुत कुछ सीखा बचपन में, क्योंकि हम हॉस्टल में रहे, इसलिए एक क्षण भी हम लोगों का बर्बाद नहीं होने दिया जाता था। हर घंटे में क्या करना है ये पूरा टाइम टेबल बना रहता था, तो इसलिए 12 घंटे में या 16 घंटे में बहुत सारी चीज़ें रोज़ सिखाई जाती थी। तो वो अच्छा है, उस समय में बचपन में सीख भी लेते हैं जल्दी। वहाँ पे आपने कभी गायत्री देवी से भी मुलाकात हुई, महारानी गायत्री देवी से? वो मुझे बहुत मानती थी, अपनी पुत्री की तरह मानती थी। अभी भी मैं उनसे पिछले वर्ष मिली, और अभी उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले मैं उनसे बात करना चाह रही थी, मगर बात नहीं हुई। उनका पत्र आया, उन्होंने मुझे बधाई दी थी। अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। बहुत ही, वो मुझे तो अपनी पुत्री की तरह प्यार करती थी। अभी जब मिली तभी भी उन्होंने बहुत प्यार से मिली। तो उनके बारे में आपके क्या इम्प्रेशंस हैं? वो तो मतलब सच में शी वाज, जो हम लोग इतने करीब से नहीं जानते, वो तो सिर्फ यही इसी तरह से देखते थे कि भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल वुमन, इतनी ग्रेसफुल एंड रॉयल लेडी। वेल शी वाज ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड आई वुड से दैट। उन्होंने उस समय लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, और हालांकि वो जो लड़कियां थीं और जैसे वो जिस पृष्ठभूमि से वो आती थी राजसी, तो उस तरह की जो लड़कियां थीं इस राजसी ख़ानदानों की, उन वो किस परिस्थिति में थी, उनको पढ़ाया नहीं जाता था। तो उनके लिए उन्होंने स्कूल खोलने की सोची और शुरू किया स्कूल, और वो इतना बड़ा स्कूल बना, अंत में वो सबके लिए खुला था, और वहाँ सब कुछ सिखाया जाता था। और मैं समझती हूँ जो बहुत सी अच्छी बातें मैंने वहाँ से सीखी, तो ये श्रेय उनको जाता है। लड़कियाँ इंडिपेंडेंट बने स्पोर्ट्स के ज़रिए से, खेल कूद के ज़रिए से, ये उनका लगातार सोचता। अच्छा ये बताएं मैम कि फिर आपने विदेश नीति, विदेश विभाग या अपनी फॉरेन सर्विस छोड़ के यू ज्वाइन राजीव गांधी पॉलिटिक्स में, वो फैसला कैसे लिया? ये राजीव जी उस समय प्रधानमंत्री थे, बिजनौर की सीट खाली हुई थी, तो वो मेरे बाबूजी के पास आए और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मैं फॉरेन सर्विस से इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ूं। तो ये बाबूजी ने उनकी बात मान ली, क्योंकि बाबूजी उन्हें बहुत मानते थे। और ये फैसला होने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि राजीव जी ने ये कहा था और उन्होंने हाँ कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, जब आपने हाँ कर दिया है तो हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम जा रहे हैं लड़ने। तो इस तरह से हम आ गए राजनीति में। क्या बात है। लेकिन आपने, आपके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि इतनी एक अच्छी, आपने डिप्लोमेसी का अपना करियर एंजॉय कर रही थी, जगह जगह जा रहे थे,
उसको छोड़ने का कोई मलाल नहीं था, या नए करियर में या नए वोकेशन में जाने का जो चैलेंज या उत्साह था? इतना सब हमने नहीं सोचा उस समय, वो आनन फानन में ये बात हो गई, बाबूजी ने कहा कि हमने हाँ कर दिया, उन्होंने कहा, उन्होंने आके पूछा तो हम हाँ कर दिए, तो हमने कहा आपने हाँ कर दिया तो ठीक है, तो इतना ज़्यादा उस समय सोचने की बात नहीं आई। राजीव गांधी जी से मुलाकात थी आपकी उससे पहले, आपने मिली थी? बहुत समय से, बचपन से, क्योंकि जब 1946 में बाबूजी दिल्ली आए थे अंतरिम सरकार में, तो उस समय नेहरू जी भी उसी अंतरिम सरकार में थे, तो अक्सर मुलाकात हो जाती थी राजीव जी से, संजय गांधी से। क्या इम्प्रेशन थे आपको? राजीव गांधी तो बहुत शांत स्वभाव के थे, और संजय जी चंचल थे, जिसे आप कहते हैं ना बचपन में जो शैतानी की जाती है, तो करते थे, और राजीव जी शांत थे। अच्छा ये बताइए नीरा कुमार जी, इतनी बातें होती हैं सब परिवारों की, गांधी, पायलट, सिंधियाज, आप संसद की स्पीकर हैं, आपको कभी कभी मन में ये सोच आता है कि ये जितने लोग सामने बैठे हैं कहीं ये सब कोई परिवार का ही हिस्सा नहीं बन जाए, पूरी की पूरी इंडियन जो पॉलिटी है कहीं, मतलब ये कुछ लोगों को जेन्युइनली इस बात का कभी कभी एहसास होता है? हो सकता है ये स्केयर मॉन्गरिंग हो, ऐसा नहीं हो, लेकिन एक रियल पॉसिबिलिटी भी है, इस बारे में कोई सोच, कंसर्न, कुछ परिवार या डिनेस्टीज भारतीय पॉलिटिक्स को टेक ओवर कर लेंगे, इसका जो एक लोगों को कंसर्न लगता है? हाँ, ये लोग इसकी चर्चा बार बार करते हैं, मगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कि हम हर समय 5 साल पर तो ज़रूर ही, 5 साल से पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि 1.5 साल में ही हम जो चुनाव में चले जाते हैं, चुनाव कुछ नहीं देखता, आप किससे जुड़े हैं, आपका किससे रिश्ता है, आप किस परिवार के हैं, एक दफ़ा तो वो कंसिडरेशन हो सकता है, उसके बाद नहीं, बार-बार उसके बाद आप पूरी तरह से आपका आकलन इस बात पर होता है कि आप क्या हैं अपने आप में और आपने क्या काम किया। तो इसलिए जो लोगों के मन में ये डर है, वो मैं समझती हूँ हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वो उस डर को उन्हें निर्मूल कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का जो है, आप जो कह रहे हैं ना, ऐसे टेक ओवर, फैमिली टेक ओवर नहीं हो पाएगा, डायनेस्टिक जो चीज़ है आप समझ रहे हैं, वो नहीं, जो कुछ भी होगा जनता की मर्जी से होगा, अगर जनता चाहती है कि इस परिवार के दूसरे सदस्य को भी हम चुन कर ले आए तो वो चुन कर आ, अगर चाहती कि इस परिवार के दूसरे सदस्य को हम चुनकर नहीं लाएंगे तो वो चुनकर नहीं आ सकते, तो ये चुनाव में तो हम जाते हैं ना। 25 वर्ष हो गए आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में, इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको और सबसे ख़राब चीज़ क्या लगती है? सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जो सबसे गरीब है, बेचारा है, जिसको आप, जिसकी तरफ आप नज़र फेर करके भी नहीं देखेंगे, ये तो पूछने की बात ही अलग है कि तुम किस हाल में हो या कैसे जी रहे हो, 5 साल में एक दफ़ा, वो बहुत गैर जिम्मेदार भी अगर एमपी है तो भी 5 साल में एक दफ़ा तो उसके दरवाजे पर जरूर जाएंगे और हाथ जोड़ेंगे। दैट मैन, दैट वुमन इज एम्पावर्ड, और इतना गैर जिम्मेदार तो कोई भी एमपी नहीं है कि साल में 5 साल में एक दफ़ा जाते हैं, रेगुलरली जीतना होता है या कई दफ़ा नहीं भी जीतना होता है, इनके संपर्क में आने के बाद मन करता है कि इनके लिए करा जाए, तो वो जो एक माहौल बनता है, वो जो एम्पावरमेंट ऑफ द हम्बलेस्ट एंड द मीकेस्ट जो है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। और सबसे ख़राब बात, ख़राब बात ये है कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये अभी भी अपने आप को जात पात से अलग नहीं कर पा रही है, ये इसका सबसे घृणित पक्ष है, और हमारी राजनीति में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जात पात और डेमोक्रेसी, जनतंत्र एक साथ नहीं चल सकते,
जात पात हायरार्की पर बेस्ड है, ऊंचे नीचे पर आधारित है, जनतंत्र बराबरी पर बेस्ड है, एक दूसरे को ख़त्म कर देगा। इसलिए मुझे इस बात को लेकर चिंता रहती है कि जात पात को जनतंत्र ख़त्म कर दे तो अच्छा रहेगा, न कि इसका उल्टा। मैम ये बताएं, जब आप पब्लिक लाइफ में नहीं होती हैं, स्पीकर की कुर्सी पे नहीं बैठी होती हैं, पब्लिक एंगेजमेंट्स में नहीं होती हैं, जनता के से नहीं मिल रही होती हैं, देन व्हाट यू डू? कुछ तो मुझे मालूम है, कविता लिखती हैं आप? अभी तो बहुत दिन से नहीं लिखा है, मगर बहुत तरह के काम करते हैं हम। एक आपने बताया गार्डनिंग का शौक़ है आपको। गार्डनिंग का तो बहुत शौक़ है मुझे, मुझे किताब पढ़ने का शौक़ है, किचन में जा करके कुछ कुछ करने का शौक है। क्या कुछ कुछ करने का? क्या बनाने का शौक है आपको? अगर हम बनाते हैं तो फिर तो हम नॉन वेजिटेरियन बनाते हैं, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं मगर हमारे परिवार के सब लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो इसलिए हम कुछ बनाते हैं जो खा सकें। तो आपके हाथ का क्या बनाया हुआ सबको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? चिकन बनाया हुआ पसंद आता है। और आपको स्वयं की आपकी फेवरेट डिश क्या है? हम तो वेजिटेरियन हैं, तो सब्जी जो भी सब्जी होती है हमें बहुत अच्छी लगती है, हरी सब्जियाँ। और शुरू से वेजिटेरियन है आप या बदली किसी वजह से छोड़ा? काफ़ी बहुत साल से वेजिटेरियन है। और कविता ये क्या, ये कौन से मन का पंछी की उड़ान है? कविता लिखते हैं, कविता लिखना हमें अच्छा लगता है। और ये शूटिंग का में भी आपने कई मेडल्स जीते हैं, ये कब शुरू हुआ था? दिस इज ये तो एमजीडी में हम शूटिंग करते रहे, और फिर बाद में हम एकेडमी में थे बसूरी में, तभी भी करते थे, वहाँ पर राइफल शूटिंग क्लब था, उसके मेंबर थे। और फिल्म्स? फिल्म्स मूवीज? फिल्म्स देखना किसी नहीं पसंद है, सबको हाँ। पसंद है फिल्म तो, देखना तो वो तो भारतीय एक परंपरा है, पास टाइम है, फेवरेट पास टाइम है। लोग अभी हमने दो फिल्म देखी, हम आ रहे थे जिनेवा से तो प्लेन पे हमने देखी, पुरानी फिल्म है, इट्स अ क्लासिक गाइड, और फिर तो एक उससे भी पुरानी देखी हमने, शायद आपने नहीं देखी हो, कि इतनी पुरानी है, बेन हर क्लासिक, बेन हर, टेन कमांडमेंट्स, ये तो एक जॉनर की फिल्म है, बहुत बड़ी रीगल फिल्म है, चार्ल्टन हेस्टन की। हाँ तो ये दो देखी। वैसे अभी हम ये मिस करते हैं कि हम जा कर के थिएटर हॉल में नहीं देख पाते। आपको देखनी चाहिए मूवीज, देखने का मजा तो थिएटर में ही है। हाँ। आपने हाल में कौन सी फिल्म देखी नई? अच्छा नई एक वो दिल्ली को लेकर के है, दिल्ली 6। हाँ दिल्ली 6। तो आपका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस बहुत सारे हैं, मैं किसको बुलाऊं? फेवरेट में अभी फिलहाल नए जो है कि पुराने गिनाए, जो भी नए बताइए। नहीं तो ऐश्वर्या है, वो अच्छी लगती है। हीरो? हीरो में शाहरुख है, ऋतिक है, लोग अच्छे। मैम आप खुद इतनी वेल मेंटेन कैसे रहती हैं? मैंने आपको 25 साल से, आप कभी वजन ना आपका बढ़ता है ना, यू नो व्हाट डू यू डू? बहुत स्ट्रिक्ट कुछ योगा, कुछ डाइट, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, वॉकिंग, क्या करती हैं आप? कुछ नहीं कुछ तो करती हूँ, क्या करती हैं बताइए सच में? चिंता करते हैं। चिंता करने से वजन नहीं बढ़ता। बस मेरा आखिरी सवाल कि अगर जो आपसे कभी नहीं मिला हो, अगर वो आपके बारे में कुछ जानना चाहे और उनको आपको डिफाइन करना हो कि मीरा कुमार कैसी शख्सियत है, कैसी पर्सन है, तो आप अपने बारे में दो सेंटेंस क्या बोलेंगे बिल्कुल ईमानदार और मन से कि ओके ऐसा? मीरा कुमार इज अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, शी वांट्स टू वर्क हार्ड, शी इज शाय स्टिल, शी इज यस स्टिल थोड़ा इंट्रोवर्ट, यस, and I want to work hard and put in my best in what I'm doing.